आ रही है जहां पर महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत बापू वृक्षारोपण का आयोजन आज किया गया। दौसा जिले की पंचायत समिति रामगढ़ पचवारा व लालसोट पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत निर्जना बिछा ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत जगनेर दुर्गान में सोमवार को महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत बापू वृक्षारोपण अभियान के तहत वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण के दौरान लालसोट विकास अधिकारी दिवाकर मीणा, पंचायत समिति रामगढ़ पचवारा की ग्राम पंचायत बिछा के मोक्ष धाम पहुँच कर के योजना का शुभारम्भ किया है। वहीं महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत विकास अधिकारी अपने कार्मिकों के साथ ग्राम पंचायत जगनेर दुर्गान के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पहुंच करके ग्राम पंचायत सरपंच राकेश मीणा और थाना प्रभारी सुभाष चंद शर्मा के साथ वृक्षारोपण किया। इसी दौरान पंचायत समिति लालसोट की ग्राम पंचायत निर्जना में विकास अधिकारी पहुंचे, जहां पर सरपंच प्रद्युमन सिंह के साथ मिलकर के वृक्षारोपण किया। विकास अधिकारी दिवाकर मीणा ने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत ब्लॉक की प्रत्येक ग्राम पंचायतों को 500 से 1000 पौधों का वितरण किया जाएगा और उनकी सार संभाल के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसी अवसर पर अतिरिक्त विकास अधिकारी प्रकाश चंद शर्मा, सहायक विकास अधिकारी राजाराम मीना, सहायक कार्यक्रम अधिकारी प्रदीप तिवारी सहित ग्रामीण और महिलाएं मौजूद रहेंगी। आज हमारे जो पंचायत समिति लालसोट है, उनका पूरे जिले का हर ब्लॉक का अपना एक वृक्षारोपण अभियान चल रहा है। तो हमने राजस्थान हमारे जो लालसोट ब्लॉक का जो ब्लॉक स्तरीय वृक्षारोपण अभियान है वो हमने ग्राम पंचायत बिछा से आरंभ किया है, जिसमें हर पंचायत को हमने 500 से लेकर 1000 का लक्ष्य दिया है। और इसमें अधिकतर हमने फलदार और छायादार जिसे पौधों को लाने का निर्धारण किया है। और सबसे बड़ी बात है कि हम वृक्षारोपण अभियान से हमने समाज को भी जोड़ने का प्रयास इसलिए किया है ताकि बच्चे, महिलाएं और जो हमारे बुजुर्ग हैं उसमें पर्यावरण शुद्धिकरण में अपना पूरा योगदान दे सके। और हमारे जो राजस्थान सरकार के जो श्रीमान अशोक गहलोत साहब हैं, हमारे जो माननीय मंत्री महोदय हैं प्रसादी लाल जी मीणा, इनका भी उद्देश्य है कि दौसा जिले को ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण में राजस्थान में प्रथम लाएँ ताकि हमारे यहाँ पर बरसात हो सके, जल स्तर अच्छा हो सके। सर, एक्चुअली में ये देखा गया है कि हर वर्ष वृक्षारोपण तो होता है लेकिन उनकी सैर संवार नहीं होने के कारण वृक्ष मुरझा जाते हैं। देखिए, इस बार हमने नया एक नवाचार किया है कि हर व्यक्ति जो पौधा लगाएगा वही उसकी सुरक्षा करेगा, वही उसको पानी देगा और अपने बच्चे की तरह उसको पालन पोषण करेगा। थैंक यू।